सो हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं कि स्टार्ट फिन ऐप के अंदर में पर्सनल लोन अप्लाई कैसे किया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोन के लिए काफ़ी दिनों से परेशान हैं या आपको लोन नहीं मिलता है, तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस बताने वाले हैं कि स्टार्ट फिन ऐप के अंदर में लोन कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर दोस्तों आप लोग लोन अप्लाई करते हैं किसी भी नया एप्लीकेशन के अंदर में, तो आपको क्या होता है, आपका लोन नहीं अप्रूवल होता है, नहीं आपको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दोस्तों आइए, ये रियल ऐप है जो 110% अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहते हैं लोन लेना, तो इस ऐप के अंदर में आप लोग अच्छा खासा लोन ले सकते हैं और वो पैसे के कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोग को फुल प्रोसेस बताने वाले हैं कि स्टार्ट फिन ऐप के अंदर में कैसे लोन प्रोवाइड किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। मैं सारे प्रोसेस बताऊंगा। सिर्फ आज के इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना, तभी आज के इस वीडियो के हेल्प से आप आसान तरीका से लोन अप्लाई करके इंस्टेंटली आप यहाँ पर लोन रिसीव कर सकते हैं। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई का कि भाई क्या इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली मरतबा है तो वीडियो के नीचे एक लाल वाला है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में एक बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है और प्ले स्टोर के अंदर में आने के बाद ये एप्लीकेशन है फाइनली आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद गाइस, इस ऐप का जो रेटिंग है 4.3 का रेटिंग है। डाउनलोड की बात कर लेता हूँ तो 10 मिलियन प्लस आदमी इसको डाउनलोड करके यूज़ कर रहा है और इससे एप्लीकेशन के अंदर में अच्छे खासा लोन अप्लाई करके यूज़ कर रहा है। जैसे कि इस एप्लीकेशन के अंदर में आप लोग जैसे कि आप एंट्री करते हैं तो कुछ ऐसा ऐसा लोगों आपको दिखाएगा जो आपको इस तरीका से प्रोसेस को कम्प्लीट करना पड़ता है, जिसमें आपको लोन कितना लेना होता है वो आपको सेलेक्ट करना होता है, कितने दिनों के लिए लेना होता है वो सेलेक्ट कर लेना होता है, क्रेडिट आपका होगा और आपका अप्रूवल होगा, डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसके अंदर में लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको करना है क्या है, प्ले स्टोर के अंदर आना है और यहाँ पे लिखा हुआ अबाउट दिस ऐप, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्स फिन ऐप के अंदर में कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता है, तो RBI और NBFC से रजिस्टर्ड है जो अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि रियल ऐप के अंदर में मैं लोन लूँ, तो ये एक नया है जिसका नाम है स्टार्ट फिन और बिल्कुल ही रियल ऐप है जो 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ जो अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन के अंदर में कितना लोन मिलता है, क्या क्या चीज़ लगता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्रोसेस है, मैं सबसे पहले इसका जानकारी दे देता हूँ, फिर मैं आगे का प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस ऐप के अंदर में लोन लेते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर में आप लोग को 1000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है। ये आपको सिविल स्कोर पर निर्भर करता है, सिविल स्कोर पर मायने रखता है कि आपका सिविल स्कोर कितना है। तो चलिए गाइस यहां पे आपको मैं बता दिया हूं, इस ऐप के अंदर में अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो 3 महीना से लेकर 36 महीना तक का आपको टर्न टाइम देता है और मिनिमम यहां पे डॉक्यूमेंट लगता है, ज्यादा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ कम डॉक्यूमेंट से आप यहां पे लोन अप्लाई करके ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेता हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों जिसके नाम से आप लोन अप्लाई करते हैं तो उसका कम से कम एज 18 साल होना चाहिए और दोस्तों वो चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड है चाहे आप एक सैलराइड है, दोस्तों दोनों को अच्छे लोन प्रोवाइड करता है, सिर्फ आपका जो सिटीजन इंडिया होना चाहिए और दोस्तों उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों आपके साथ डॉक्यूमेंट में एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड को रेडी कर लेना है और उसके साथ साथ आपके पास एक अकाउंट नंबर होनी चाहिए जिस अकाउंट में आप लोन लेना चाहते हैं, जिस अकाउंट को आप यूज करते हैं, जो आपके पास अकाउंट है उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर चाहिए जिसमें आप लोन लेना चाहते हैं और उसके साथ साथ उस बैंक का स्टेटमेंट होनी चाहिए। उस बैंक का स्टेटमेंट नहीं रहेगा फिर आपको लोन नहीं दिया जाएगा, अगर आपके उस बैंक का स्टेटमेंट है तो फिर आपको लोन दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, एक स्टेटमेंट रेडी कर लेना है, एक आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट, उसके बाद यहां पे आधार पैन आपको रेडी कर लेना है और सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपली आपको यहां पे करना है इसको अप्लाई कर लेना है।
तो चलिए दोस्तों, अप्लाई का प्रोसेस क्या है मैं आप लोग को पूरी जानकारी देता हूँ। उसके लिए सिंपली आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर आना है और सिंपली इस ऐप को ओपन कर लेना है डाउनलोड करके। तो चलिए दोस्तों, मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं फाइनली उसको ओपन कर दिया हूँ। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद चूज लैंग्वेज आपको इंग्लिश पे क्लिक कर लेना है, एक मोबाइल नंबर डालना है, प्रोसेस सिक्योरली पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, प्रोसेस सिक्योरली पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें करना क्या है, मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिक आपको वेरीफाइड लेता है। वेरीफाइड लेने के बाद दोस्तों, जिसके नाम से लोन लेते हैं, जिसका मोबाइल नंबर डालोगे उसी के फ़ोन में होना चाहिए, अदरवाइज आपको इस एप्लीकेशन के अंदर में लोन नहीं दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैं लॉगिन कर लिया हूँ। लॉगिन करने के बाद एलवेज योर ड्राइंग ग्रेड टू सिफ है, एलिजिबिलिटी क्रेडिट यहाँ पर 20,000 का है, गेट इन टू क्लिक पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। ऐसा इंटरफेस आने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, वेरीफाई योर आधार डिटेल गेट फंड, जिसमें आपको करना क्या है, एक आधार कार्ड से सबसे पहले वेरीफाइड करना पड़ता है। और दोस्तों, वेरीफाइड करने से पहले आपको यह याद रखना है कि आपके आधार कार्ड में कौन मोबाइल नंबर लिंक है। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तभी आप इसके अंदर में लोन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि फास्ट KYC हो, फास्ट प्रोसेस मेरा कम्प्लीट हो, तो सिंपली आपको करना क्या है, कम्प्लीट KYC पे आपको क्लिक कर लेना है। कम्प्लीट KYC पे क्लिक करने के बाद आपको वेट कर लेना है, और वेट करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको एक आएगा आधार नंबर डालने का, और आधार नंबर डालिएगा। जैसे आधार नंबर डालिएगा उस पर एक OTP आएगा, OTP आने के बाद वो OTP को इंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पे KYC डन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हमारे KYC का एक ऑप्शन आ चुका है, जिसमें आपको कंप्लीट योर आधार KYC पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको एक फ़ायदा है, अगर यहाँ से आप कंप्लीट करते हैं तो फास्ट आपका क्विक सर्विस आपको अप्रूवल होता है, क्विक आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैं प्रोसीड टू डिजी लॉकर पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक आधार नंबर डालना है, और ये जो कैप्चा है, ये कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कर देना है, और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपका वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, आगे का जो प्रोसेस आएगा वो सारी प्रोसेस को आपको कंप्लीट कर लेना है। जो मैं आप लोग को ये प्रोसेस बताता हूँ उसी तरीका से आप लोग को अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लो क्रेडिट का यहाँ पर मिला है। जैसे कि आप लोग, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो दोस्तों आप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, और कि दोस्तों स्टार्टफिन एक नया एप्लीकेशन है जो अपने कस्टमर को लोन देता है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस अगर आप कंप्लीट करते हैं स्टार्टफिन के ऐप के अंदर में, तो आप आसान तरीका से लोन ले सकते हैं, अदरवाइज आप कभी भी लोन नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे KYC कीजिएगा, KYC करने के बाद फाइनली आपको करना क्या है, KYC आप कर लेते हैं तो आगे आपको डॉक्यूमेंट KYC करना पड़ता है। जैसे KYC आपको पैन कार्ड से करना है, पैन कार्ड से करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना है, जो भी आपको यहाँ पे लोन लेना है लोन को सेलेक्ट कर लेना है, कितना दिनों के लिए आपको लोन लेना है वो आपको लोन का टर्न सेलेक्ट कर लेना है, और फाइनल सबमिट करना है, सारी डिटेल डालना है, पैन कार्ड डिटेल डालना है, बैंक का डिटेल डालना है, सारी डिटेल्स फिलअप कर लेना है, फाइनल सबमिट कर लेना है, और जो डॉक्यूमेंट आपको बोलता है अपलोड करने के लिए उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। जैसे बैंक का स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का जो भी चीज़ आपको अपलोड करने के लिए बोलेगा अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट कर लेना है, और सबमिट करने के बाद आपको कुछ देर वेट कर लेना है। कुछ देर वेट करने के बाद जैसे अगर आपका लोन अप्रूवल हो जाता है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और अदरवाइज आपको इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या इस ऐप के अंदर में अगर आपको कोई दिक्कत होता है, चाहे आपका पेंडिंग में पड़ जाता है, चाहे आपका रिजेक्ट हो जाता है, चाहे इस एप्लीकेशन के अंदर में आप लोन नहीं ले पाते हैं, नहीं अप्लाई कर पाते हैं, तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे आ जाना, मैसेज करना, मैं आप लोग को बता दूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे किया जाता है, मैं आप लोग को प्रोसेस
बता दिया हूँ कि स्टार्ट फिन के ऐप के अंदर में ये सब प्रोसेस को कंप्लीट करके आसान तरीका से, इजी कंप्लीट प्रोसेस करके आसान तरीका से लोन अप्रूवल होगा और डायरेक्ट आप लोन रिसीव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है और मैं गारंटी लेता हूँ इसके अंदर में लोन दिलवाने का। सिर्फ आप अच्छी तरीका से लोन अप्लाई कीजिए, प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए, फॉर्म को फिलअप कीजिए और रिसीव कीजिए। अदरवाइज़ आपको कोई समझ में नहीं आएगा तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आप लोग को बता दूंगा। ये बहुत ही कम प्रोसेस को कंप्लीट करके लोन प्रोवाइड करता है। इसका जो करेंटली ऑपरेशन 30 सिटीजन में चल रहा है, जैसे यहाँ पे दिल्ली NRC, उसी तरीका से नोएडा, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, मुंबई, बहुत सारे सिटी है जो यहाँ पर आपको सर्विस प्रोवाइड है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्टार्ट फिन के ऐप के अंदर में इसी प्रोसेस को कंप्लीट करके लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों भाई के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली मर्तबा है और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के द्वारा, ताकि आपका भाई का आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं।